एक ओर जहां लॉकडाउन के कारण हिमाचल में फंसे प्रवासी मजदूर यहां से दिल्ली, बिहार सहित तो दूसरे राज्यों के पलायन कर रहे हैं, वहीं बद्दी और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में फंसे यहां के युवक पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बद्दी से पैदल चलकर 2 दिनों का सफर तय कर कुछ युवक अपने घर चैल चौक पहुंचे। हालांकि सरकार व प्रशासन बार बार लॉकडाउन के कारण घर से बाहर फंसे मजदूरों और युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने स्थान पर ही रुके रहें। बावजूद इसके दिहाड़ीदार मजदूर व फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर इस अपील को दरकिनार कर घर आने की जिद में अड़े हैं। यहाँ पर कोई भी मजदूर अब उस स्थान पर रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। चैल चौक वापिस लौट कर आए इन युवाओं से चैनल ने जब बातचीत की, तब बातचीत के दौरान युवकों का दर्द साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वे जिस फैक्ट्री में काम करते थे, लॉकडाउन होने की वजह से वहां काम पूरी तरह ठप हो गया। इन युवाओं के मुताबिक लॉकडाउन होने के उपरांत इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई, मगर इनकी किसी ने कोई नहीं सुनी। इन युवाओं का कहना है कि प्रशासन ने इन्हें यहां ठहरने और इनकी मदद करने के आश्वासन जरूर दिए थे, मगर 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई मदद नहीं मिली, जिस कारण इन्होंने पैदल चलकर घर आने की ठान ली और 2 दिन बाद बद्दी से अपने घर के लिए पहुंचे। सर, कल सुबह से चले हुए हैं पैदल, बीच बीच में लिफ्टें मिल रही है और पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद कराई बीच बीच में, और खास कल से रास्ते में खाने के लिए भी मतलब हेल्प कर रहे हैं, बीच बीच में मदद कर रहे हैं खाने के लिए। और जहाँ से आज सुबह से चले हुए हम स्वारघाट से, तो आगे रास्ते में अभी दुकानें बंद थी, फिर यहाँ पे सुंदरनगर में हमने यहाँ पे केले लिए, कुछ फल फ्रूट ले लिए, तब तो जाके थोड़े फल फ्रूट खाए, तब आगे निकलने की कोशिश की हमने। नालागढ़ में सर उपाय कंपनी में काम करते हैं, नालागढ़ के साथ ही है कंपनी बागवानी में, और वहाँ से कंपनी ने बता दिया कि भैया 14 तारीख तक तो कंपनी बंद रहेगी, और इस करके हम अपने अपने घर बंदों के पास किसी के पास गैस भरवानी है, वहाँ पे शॉप में तो पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे, और जेब में पैसा है नहीं, तो इस करके कई लोग ऐसे चल पड़े घर के, भाई जेब में पैसे नहीं तो घर तो घर ही निकलना पड़ेगा, और गैस तो सरकार तो दे नहीं रही है वहाँ पे हमारे को, तो फिलहाल तो कोई पूछ नहीं रहे कि किसको क्या चाहिए। वो बोलते हैं कि जो भी मिलेगा, राशन वगैरह मिलेगा, वो 1 तारीख के बाद मिलेगा, और इस करके फिर बंदों को निकलना पड़ रहा है घर ही, तो कुछ मदद नहीं है वहाँ पे, और 1 तारीख के बाद बताएंगे वो कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अभी नंबर दे के रखे उनके पास, मकान मालिक के पास, और पता नहीं कब राशन देना स्टार्ट करेंगे, क्या पता तब तक तो बंदे वैसे ही, अभी दुकानें 2 घंटे के लिए खुली करते हो, मार्केट खुली करते हो, उसके बाद गैस की दुकानें तो होती नहीं वहाँ पे, इस करके दिक्कत होती है, किसी का सिलेंडर खत्म हो गया, फिर इस करके उनको घर आना पड़ रहा है।